Hello friends and welcome to the exams made simple, and we are back again with the Hindu complete newspaper analysis for 20th of December 2018. तो 20 दिसंबर 2018 का न्यूज़ एनालिसिस देखेंगे. बिफोर वी स्टार्ट, दीज आर द क्वेश्चंस फॉर यू टुडे. फर्स्ट क्वेश्चन इज, तुलसीदास द ऑथर ऑफ रामचरितमानस वाज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स. ओके, तो इनमें से किस रूलर के कंटेम्प्रेरी थे तुलसीदास? ऑप्शंस आर अकबर, हुमायूं, शाहजहां या शेरशाह सूरी. सेकंड क्वेश्चन इज, उस्ताद मंसूर वाज अ फेमस पेंटर इन द रीजन ऑफ. किसके रीन में उस्ताद मंसूर एक फेमस पेंटर थे? ऑप्शंस आर शाहजहां, अकबर, हुमायूं एंड जहांगीर. थर्ड क्वेश्चन इज, टोलकापियम इज एसोसिएटेड विद. टोलकापियम जो कि एक संगम लिटरेचर टेक्स्ट है, इनमें से किससे रिलेटेड है? फर्स्ट संगम पीरियड, सेकंड संगम पीरियड, थर्ड संगम पीरियड या पोस्ट थर्ड संगम पीरियड. क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज, द वेनेशियन ट्रेवलर हु ट्रेवल्ड विद हिज वाइफ एंड रीच्ड विजयनगर अराउंड 1420 वाज. वेनेशियन ट्रेवलर थे जो कि 1420 में विजयनगर पहुंचे, उनका नाम क्या था? ऑप्शन आर निकितिन, निकोलो डी कॉन्टी, इब्न बतूता या फरिश्ता. सो दीज आर द फोर क्वेश्चन फॉर यू टूडे. प्लीज डू ट्राई टू आंसर दीज क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन बिलो. Now friends, if you have the newspaper in either digital or physical format, please open that. We will be completing it together. The first news is from the front page. It's a very important news. NITI Aayog has said that 9% growth throughout is needed by 2020 in order to generate jobs. Okay, so recently kya hua hai ki NITI Aayog ne ek document nikala hai jiska naam hai Strategy for New India @75. Aap sabko pata hai ki 75 saal hone wale hamari azadi ke, 75 years hone wale hamari azadi ke 2022 mein, and usi se regarding a vision document hai by NITI Aayog. A vision document has been released by NITI Aayog jiska naam hai Strategy for New India @75. Okay, now it has recommended various things. उसके पहले हम ये देख लेते कि ओवरऑल क्या असेसमेंट है नीति आयोग का. द ओवरऑल असेसमेंट इज दैट अ ग्रोथ रेट ऑफ 9% इज असेंशियल टू जनरेट इनफ जॉब्स एंड अचीव यूनिवर्सल प्रॉस्पेरिटी. अगर हम जॉब्स जनरेट करना चाहते हैं, जैसे कि इंडिया की ग्रोथ को अगर आपने ध्यान से देखा हो तो इंडियाज ग्रोथ हैज बीन क्रिटिसाइज एज अ जॉबलेस ग्रोथ. इंडिया की ग्रोथ को जॉबलेस ग्रोथ बोला जाता है, वेदर इट्स यूपीए पीरियड और इट्स एनडीए पीरियड. दोनों पीरियड में जो ग्रोथ हुई है उसको जॉबलेस ग्रोथ बोला जाता है, कि जितनी ग्रोथ हमारे यहाँ है उसके प्रोपोर्शन में हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होता है. नाउ नीति आयोग इज सेइंग, इफ वी वांट टू जनरेट इनफ जॉब्स एंड इफ वी वांट टू अचीव यूनिवर्सल प्रॉस्पेरिटी, देन द ग्रोथ रेट मस्ट बी मोर देन 9%. 9% से ज्यादा होना चाहिए ग्रोथ रेट. नाउ इसके लिए वेरियस मेथड्स हैव बीन सजेस्टेड बाय नीति आयोग. कुछ सजेशंस दिए नीति आयोग ने, जैसे कि दे नीड टू इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट रेट. इन्वेस्टमेंट रेट नीड्स टू बी इंक्रीज. अब इन्वेस्टमेंट रेट के बाद दूसरी चीज उन्होंने बोली कि देयर शुड बी अ रिफॉर्म इन एग्रीकल्चर, यानी कि डाइवर्सिफिकेशन करो, मेक एग्रीकल्चर रिम्यूनरेटिव, देयर शुड बी प्रॉपर रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर सेक्टर. एंड थर्ड इज दैट देयर इज अ नीड टू कोडिफाई द लेबर लॉज. लेबर लॉज जो है कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, लीज से रिलेटेड, इन सारे लॉज को क्या है, थोड़ा कोडिफाई करने की जरूरत है. दिस इज व्हाट दे वांट इन इफ दे वांट टू अचीव ग्रोथ रेट विद जॉब जनरेशन एंड ऑल्सो प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल. अब यहाँ पे ओवरऑल फिर से लिखे हैं सारी चीजें, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ. तो ये जो नीति आयोग का विजन डॉक्यूमेंट है उसमें कुछ पॉइंट्स हैं. द फर्स्ट इज दैट देयर इज अ टारगेट टू रेज द इन्वेस्टमेंट रेट फ्रॉम 29%. अभी जो इन्वेस्टमेंट रेट था 29% 17-18 में था, उसको 36% ऑफ GDP करना है बाय 2023. इन्वेस्टमेंट रेट को बढ़ाना है 29% से बढ़ा के 36% करना पड़ेगा. सेकंड इज दैट टैक्स टू GDP रेशियो, जो टैक्स टू GDP रेशियो है, दैट नीड्स टू बी रेज फ्रॉम 17% प्रेजेंट टू 22%. ओके, अभी जो टैक्स टू GDP रेशियो है 17% है टैक्स GDP रेशियो, उसको इंक्रीज करना है टू 22%. थर्ड इज शेयर ऑफ वाटरवेज इन फ्री ट्रांसपोर्ट शुड बी डबल्ड. जो वाटरवेज है उसका जो शेयर है इन द फ्री ट्रांसपोर्ट, दैट नीड्स टू बी इंक्रीज. क्योंकि आप सबको पता है कि वाटरवेज क्या है, मोस्ट इकोनॉमिकल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है फॉर फ्रीट्स, एंड चाइना इसका बहुत ज़्यादा उपयोग करता है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट उठाता है, एंड इंडिया बहुत कम उठा पा रहा है. ओके, सो वी नीड टू डेवलप द वाटरवेज ऑल्सो फॉर फ्री ट्रांसपोर्ट. देन ऑल द विलेजेस शुड बी डिजिटली कनेक्टेड एंड द साइज ऑफ द इकोनॉमी टू बी इंक्रीज टू 4 trillion. ये सारे एम्स हैं जो नीति आयोग के विजन डॉक्यूमेंट मिशन 2022-23 में, मतलब 2022-23 तक हमको ये सारी चीजें अचीव करनी है. सो दीज आर द
पॉइंट्स अंडर दिस विजन डॉक्यूमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, आई होप आपको क्लैरिटी आ गई होगी, समझ में भी आ गया होगा. नाउ द बिल बैनिंग कमर्शियल सरोगेसी हैज बीन पास्ड इन लोकसभा, और अगर राज्यसभा में ये पास हो जाएगा देन इट विल बिकम एन एक्ट. आप सबको पता है किस तरीके से ऑर्डिनरी बिल बनते हैं, पहले वो लोकसभा में पास हुआ जिस हाउस में वो इनिशिएट किया गया, देन अब राज्यसभा में पास किया जाएगा, उसके बाद ये प्रेसिडेंट असेंट के लिए जाएगा एंड देन इट विल बिकम एन एक्ट. ओके, नाउ द बिल इज बैनिंग कमर्शियल सरोगेसी. सरोगेसी का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल सपोज देर इज अ कपल जहाँ पे इनफर्टाइल मदर है, जहाँ पे वहाँ प्रेगनेंसी नहीं हो सकती है, उस केस में क्या होता है, एक थर्ड सरोगेट मदर का यूज़ किया जाता है, एक सरोगेट मदर का यूज़ किया जाता है इन ऑर्डर टू गिव द डिलीवरी. ओके, तो यहाँ पे इसमें कमर्शियल सरोगेसी को बैन किया गया है. दिस बिल इज बैनिंग कमर्शियल सरोगेसी. कमर्शियल सरोगेसी का मतलब क्या है कि पैसे के लिए आप नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल ये एक पूरी की पूरी इकोनॉमी चल रही है कमर्शियल सरोगेसी की, एंड उसको बैन कर दिया गया है. एंड इसका बोथ पॉजिटिव साइड्स आर देयर, निगेटिव साइड्स आर ऑल्सो देयर. ओके, क्योंकि बहुत सारी ऐसे हैं जिनके पास और कुछ करने के लिए नहीं है, बहुत सारे लोगों का जॉब है एक तरीके से, ये आप बोल सकते हैं. एंड इट्स अ मल्टी मिलियन इकोनॉमी ऑल्सो, एक अपने आप में मल्टी मिलियन इकोनॉमी पूरी सेक्टर हैंडल करता है ये कमर्शियल सरोगेसी, तो उसका नुकसान कहीं ना कहीं इंडिया को भी होगा, कमर्शियली भी होगा. प्लस जो इसके पॉजिटिव्स हैं वो ये है कि कभी कभी क्या होता था कि सरोगेट जो मदर्स होती थी देवर एक्सप्लॉयटेड, द सरोगेट मदर्स वर एक्सप्लॉयटेड. प्लस उनको जब अपना बच्चा उनको देना पड़ता था देन देर वर मेनी इमोशंस दैट वर हैरेस्ड बिकॉज ऑफ दैट. ओके, तो ये सारी चीज़ें थी जो कि पहले हो रही थी. नाउ इन दिस बिल, द प्रेजेंट बिल इज ऑनली सेइंग ग्रीन सिग्नल फॉर अल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी. तो ये टर्म आपको बहुत सुनने को मिलेगा, अल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी, मतलब दूसरे का भला करने के लिए आप कर सकते हो और केवल फैमिली मेंबर्स के लिए कर सकते हो, ना कि पैसे के लिए या कमर्शियल सरोगेसी की नहीं कर सकते. ओके, सिर्फ अपने फैमिली से रिलेटेड आप कर सकते हैं. इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये भी था, राज्यसभा की डिस्कशन में मैंने सुना था कि जो अब घर में जो फीमेल है, फॉर एग्जांपल जो बहू है घर की, उसके ऊपर ज़्यादा प्रेशराइज किया जाएगा फॉर डूइंग दिस सरोगेसी एंड ऑल. तो ये सारी चीज़ें अब ज़्यादा होने लगेंगी एंड दीज आर द नेगेटिव साइड्स एंड देर आर सम पॉजिटिव साइड्स एज वेल. बट अगर मेरा पर्सनल सजेशन वो लिया जाए तो मेरे हिसाब से ये नहीं करना चाहिए था, थोड़ा और सोचना चाहिए था. ओके, Now the bill is banning commercial surrogacy with penal provisions of jail term up to 10 years and fine of up to 10 lakh. तो 10 साल तक की जेल हो सकती है और 10 लाख तक का जुर्माना किया जा सकता है. Altruistic surrogacy को केवल हाँ किया गया है and जो commercial surrogacy तो उसको ban किया गया है, मतलब कोई और expense, कोई और पैसा नहीं दिया जाएगा except for the medical expenses and insurances. तीसरी चीज़ इसका एक नेगेटिव एक और है कि जो सेक्शन 377 उसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया सुप्रीम कोर्ट में, दैट मींस दे आर एक्सेप्टिंग द एलजीबीटी कपल आल्सो, बट इन दिस बिल देर इज नो मेंशन ऑफ द सेम सेक्स कपल्स एंड ऑल. तो ये सारी चीज़ें मेंशन नहीं है, तो बहुत सारे अभी भी ग्रे एरियाज हैं जो कि प्रेजेंटली इस बिल में है. प्लस जितने पॉइंट्स मैंने आपको बताया कि जो घर में अब जो बहुएं रहेंगी उनके ऊपर प्रेशराइज किया जाएगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ फैमिली मेंबर्स कर सकते हैं और अल्ट्रुइस्टिक नेचर में कर सकते हैं, तो उनको प्रेशराइज किया जाएगा अगर किसी को कमर्शियल सरोगेसी करनी है, किसी को अगर सरोगेसी करवानी है तो. सेकंड मैंने आपको बताया कि पूरी इकोनॉमी है, बहुत सारे बिलो पॉवर्टी लाइन और पॉवर्टी लाइन के नीचे और आसपास की जो महिलाएं हैं वो इससे इफेक्ट होंगी, प्लस इकोनॉमी का नुकसान तो होगा ही. तो दीज आर द नेगेटिव पॉइंट्स या बॉटलनेक्स, आप लिख सकते हैं इनको, मेंशन कर सकते हो. ओके, ना प्रेसिडेंट रूल इन जम्मू कश्मीर फ्रॉम टुडे, इट विल स्टार्ट फ्रॉम टुडे. आर्टिकल 92 के बारे में आपको पता है कि जम्मू कश्मीर का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका आर्टिकल 92 बोलता है कि पहले गवर्नर्स रूल रहेगा 6 महीने के लिए. ओके, उसके बाद डिसॉल्व की जाएगी और उसके बाद प्रेसिडेंट रूल रहेगा, वो भी पहले 6 महीने के लिए रहेगा, बट उसको एक्सटेंड कर सकते हैं अप टू 3 ईयर्स. ओके, और 3 ईयर के बाद अगर आपको एक्सटेंड करना है तो इलेक्शन कमीशन को लिखित में देना पड़ेगा कि इलेक्शंस आर नॉट पॉसिबल, नॉट फीजिबल देयर. ओके, सो दीज आर द बैकग्राउंड स्टोरीज. G7 के बारे में हम नेक्स्ट पेज में पढ़ेंगे, आएगा तो उसके बारे में हम वहाँ देखेंगे, कि यहाँ पे हमको देखने की जरूरत नहीं है. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेजेस, आप मेरे साथ मूव करते जाइए. ओके, यहाँ पे उड़ीसा में रिसेंटली बहुत सारे एलिफेंट्स की डेथ हो रही है. नियरली 45% ऑफ द डेथ, 45% ऑफ द मोर्टैलिटी इन उड़ीसा, इट इज़ कॉज्ड बाय अननेचुरल रीजंस. ओके, तो जैसे स्टेशन के पास, रेलवे लाइंस के पास, क्रॉसिंग्स के पास, ये सारी चीज़ें, यहाँ पे बहुत सारे आपको एलिफेंट कैराकासेस और एलिफेंट्स मिल जाएंगे जिनकी डेथ हुई है. तो उड़ीसा में ये चीज़ें हो रही हैं, तो ये भी एक रीज़न है. इन्वायरमेंट से रिलेटेड जब आप आंसर लिखें तो उसमें केस स्टडी में लिख दीजिएगा कि अननेचुरल डेथ जो होती है वाइल्ड लाइफ एनिमल की, और बहुत ज्यादा की स्पीशीज हैं ये सारी, तो उनका ये होना बहुत ज्यादा दिखाता है कि ये एनवायरनमेंट कितना मैन ह्यूमन जो एनिमल ह्यूमन कन्फ्लिक्ट है उसके बारे में बताता है. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज, आप भी मेरे साथ मूव कर लिए. ओके,
सो सबरीमाला के बारे में मैंने आपको कई बार बताया, सबरीमाला टेम्पल के बारे में फिर से बताया, लॉर्ड अयप्पा टेम्पल है और पंपा रिवर के ऊपर है, केरला में है, एंड लॉर्ड अयप्पा और उसका जजमेंट जरूर याद रखिएगा 28 सितंबर का सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, जिसमें कि महिलाओं को अलाउ किया गया था एक स्पेसिफिक एज ग्रुप के लिए, जो मेंस्ट्रुएटिंग एज ग्रुप होती है उसके लिए पहले मना था कि वो पिलग्रिमेज साइट के लिए नहीं जा सकती है लॉर्ड अयप्पा टेम्पल के पास, सबरीमाला के पास, बट उनको अलाउ किया गया। उसके बाद भी बहुत सारे कर्व्स हैं, बहुत सारे प्रोटेक्शन हैं, और देवास्वम ट्रावन कोर देवास्वम बोर्ड जो है वो उसको अभी तक मैनेज करता है, तो याद रखेगा। ना पोलावरम प्रोजेक्ट, आप सबको पता है कि आंध्र प्रदेश का एक प्रोजेक्ट है, आंध्र प्रदेश और जो छत्तीसगढ़ भी इससे इम्पैक्ट में रहेगा, और गोदावरी के ऊपर है ये प्रोजेक्ट एंड सब नेशनल प्रोजेक्ट। ओके, तो इसको जिस प्रोजेक्ट को द डैम वॉज डिक्लेयर्ड अ नेशनल प्रोजेक्ट, ये भी याद रखेगा, इसको नेशनल प्रोजेक्ट भी डिक्लेयर किया गया है। ना एक टाइगर रिजर्व का नाम आया था, वो है कवल टाइगर रिजर्व, इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व याद रखेगा, इट इज इन तेलंगाना। ओके, तो स्टेट अगर आपसे पूछे कवल टाइगर रिजर्व का, तो याद रखेगा तेलंगाना में है। ओके, तो न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये जरूर इंपॉर्टेंट कि कहां पर है, याद रखिएगा। दूसरी फैक्ट इसमें ये था कि नेशनल ट्रेनिंग सेंटर फॉर डॉग्स, जो नेशनल ट्रेनिंग सेंटर फॉर डॉग्स है, इट्स अ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एकेडमी व्हिच इज लोकेटेड इन टेकनपुर ग्वालियर। ओके, तो नेशनल ट्रेनिंग सेंटर फॉर डॉग्स ये कहां पर है, ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एकेडमी व्हिच इज लोकेटेड इन टेकनपुर ग्वालियर, तो ये भी फैक्ट याद रखिएगा। दूसरा कवल टाइगर रिजर्व आपका तेलंगाना में है, आंध्र प्रदेश में नहीं है, याद रखिएगा तेलंगाना में है। ओके, सो रिमेंबर दैट ऑल्सो। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज, एंड यहां पे है इसरोज एंग्री बर्ड टेक्स टू द स्काईज। ओके, तो इसरोज एंग्री बर्ड किसको कहा जा रहा है, ये कहा जा रहा है आपके G-SAT-7A के लिए, विच इज मीन्ड टू इन्हांस द कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन एयरफोर्स, तो ये याद रखिएगा। दिस सैटेलाइट इज स्पेसिफिकली फॉर एयरफोर्स, ये स्पेसिफिकली फॉर एयरफोर्स है, इस एयरफोर्स का आपका कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए इन्हांस करना है, क्या एयरफोर्स का कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, तो एयरफोर्स का कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्हांस करने के लिए बनाया गया है। यहाँ पे नीचे भी यही चीज लिखी हुई है, दिस इज प्राइमरली फॉर द इंडियन एयरफोर्स कम्युनिकेशन पर्पसेस सच एज ग्राउंड टू एयर कम्युनिकेशन, तो ग्राउंड टू एयर कम्युनिकेशन को और ज्यादा अच्छा करने के लिए बनाया गया है। पेलोड इसका 2250 किलोग्राम का है, द पेलोड इज 2250 किलोग्राम, द मिशन लाइफ इज ऑफ 8 ईयर्स, 8 साल की मिशन लाइफ है, एंड द सैटेलाइट इज बिल्ट टू प्रोवाइड कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी टू यूजर्स इन द KU बैंड रीजन अक्रॉस इंडिया, तो KU बैंड रीजन अक्रॉस इंडिया, एंड KU बैंड रीजन क्या अप्लाई करेगा, क्या इनेबल करेगा, सुपीरियर रियल टाइम एयरक्राफ्ट टू एयरक्राफ्ट कम्युनिकेशन, एयरक्राफ्ट से एयरक्राफ्ट का कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा, एयरक्राफ्ट टू एयरक्राफ्ट कम्युनिकेशन विल बी इंप्रूव्ड बिकॉज ऑफ दिस G-SAT-7A, ये भी एक एडवांटेज है, इसको याद रखेगा। दिस वॉज 39th कम्युनिकेशन सैटेलाइट ऑफ इसरो, 7th लॉन्च ऑफ 2018, 7वां लॉन्च था 2018 का। नाउ एमनाथन हैज डिस्टेंस हिमसेल्फ फ्रॉम द GM पेपर, अभी रिसेंटली मैंने 4-5-6 दिन पहले की न्यूज थी, जिसमें एक पेपर था जिसमें MS स्वामीनाथन और केसवन, डॉक्टर केसवन थे, उन्होंने एक पेपर लिखा था जिसमें उन्होंने GM क्रॉप्स की काफ़ी ज़्यादा बुराई की थी कि ये नुकसान देता है और ये इसमें जो ईल्ड है वो स्टैगनेंट हो गई, यही सारी चीज़ें बोली थी। बट नाउ स्वामीनाथन इज सेइंग दैट उस पेपर में मेरा कंट्रीब्यूशन बहुत कम था और केसवन जी का ज़्यादा था, तो हो सक आप कह सकते हैं कि वो उनका अकेले का पेपर था, एंड ही सेड दैट कि आई वॉन्ट टेक्नोलॉजी, मैं नई चीज़ों को बिल्कुल बढ़ावा देता हूँ, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज को, एंड MS स्वामीनाथन याद रखिएगा, ही वॉज फादर ऑफ जो ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। ओके, तो ही वॉज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। नाउ सैटेलाइट गिव्स IAF अ शॉट इन द आर्म, तो बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है ये, एंड BS धनोआ जो एयर चीफ मार्शल है इस समय, BS धनोआ एयरफोर्स के हेड हैं, उन्होंने कहा है कि ये बहुत बड़ी चीज़ है जो हमको मिल रही है G-SAT-7 है, और ये इससे काफ़ी कुछ हमारा जो अपग्रेडेशन है, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन है हमारे उसका, तो वो होगा। नाउ जॉनसन्स टैल्कम पाउडर सैंपल्स आर लिफ्टेड फॉर टेस्टिंग, टेस्टिंग बेसिकली किसके लिए करनी है, कि एस्बेस्टॉस है कि नहीं, तो कुछ मीडिया रिपोर्ट्स आई थी जिन्होंने क्लेम किया था कि जो जॉनसन्स का टैल्कम पाउडर था इट यूजेस एस्बेस्टॉस, तो एस्बेस्टॉस की टेस्टिंग के लिए ही ये चेकिंग की जाएगी। एंड सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, आपको मैंने बताया कई बार, सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन दिस इज द रेगुलेटर इन दिस सेक्टर, इस जो मेडिसिनल और इससे रिलेटेड चीजें होती है उनका रेगुलेटर है ये सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, और ये इन्होंने ये पैकेट उठाया है इन ऑर्डर टू चेक वेदर इट कंटेन्ड एस्बेस्टॉस और नॉट, तो ये देखना है कि एस्बेस्टॉस है या नहीं, इसके सैंपल्स लिए गए हैं। ओके,
तेजस के बारे में बता दो, तेजस ने भी रिसेंटली ड्रॉप टैंक टेस्ट किया है, तेजस फ्यूल ड्रॉप टैंक। एंड तेजस के बारे में बता दो, इट्स अ लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। तेजस है क्या? लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, यानी कि LCA, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है याद रखना। तेजस क्या है? लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। और तेजस का जो डेवलपमेंट है वो इंडिजिनस डेवलपमेंट है। इसको किसने बनाया है? इट वॉज डिजाइंड एंड स्पॉन्सर्ड बाई ADA। ADA का फुल फॉर्म क्या है? एयरनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी। और इसको जो प्रोड्यूस किया था वो हॉल ने किया था, यानी कि हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड ने। ओके, तो इसका जो डिजाइनिंग था, स्पॉन्सरशिप थी, वो ADA ने की थी, यानी कि एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी। एंड इसको जो प्रोड्यूस किया था बेसिकली लास्ट ने, एंड वो किया था हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड ने। तो ADA प्लस हाल, ये आप याद रखिएगा फॉर LCA तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। और इसमें जो ये ड्रॉप टैंक है, जैसे नाम ही क्लियर है, ड्रॉप टैंक, इसका मतलब इन केस ऑफ इमरजेंसी दे कैन, मतलब जो इसका टैंक है, जो फ्यूल टैंक है, इट कैन बी डीलिंग्ड एंड ड्रॉप्ड। इसको डीलिंग करके इसको ड्रॉप कर सकते हैं आप, विच गिव्स इट्स इट द नेम। ओके, इसके लिए और बहुत और दूसरे फ्यूल टैंक्स भी हैं इसके इनसाइड, एयरक्राफ्ट के इनसाइड है। तो अगर इमरजेंसी कंडीशन होती है, अगर आपको पेलोड सपोज कम करना है, लोड कम करना है, तो क्या कर सकते हो आप? फ्यूल टैंक को ही डीलिंग करके ड्रॉप कर सकते हो। ओके, डीलिंग करके ड्रॉप कर सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एंड दिस इज न्यू थिंग विच इज बींग टेस्टेड इन LCA, यानी कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस में ये चीज टेस्ट हो रही है। ओके, सो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। नाउ लेट्स कम टू द एडिटोरियल सेक्शन। द फर्स्ट इज ऑन चेंज इन मिजोरम, मतलब जो MNF गवर्नमेंट वहाँ बनी है, मिजो नेशनल फ्रंट की, उसके ऊपर बताया जा रहा है कि क्या है क्या नहीं है, बट वो हमारे काम का नहीं है, बस पॉलिटिकल, बेसिकली पॉलिटिकल। सेकेंड भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, मेट्रोपोलिस ऑफ द माइंड, यानी कि यहाँ पे बेसिकली एक चीज़, एक टर्म है जो यूज़ किया गया है, लॉस्ट सिटी। दिल्ली को एक लॉस्ट सिटी बोला गया है और इसकी प्रॉब्लम्स बताई गई हैं। ओके, और JNU और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में कुछ नई क्लैशेस शुरू हो गई हैं, तो उसके बारे में बताया है। तो JNU में क्लैशेस जो बेसिकली है, एक ढाबे को लेकर, सो वहाँ पे हम बहुत इंटर नहीं करेंगे, एक ढाबा था उसके रिलेटेड है ये। एंड लॉस्ट सिटी ज़रूर एक कंसेप्ट है जो मैं बताना चाहता था, लॉस्ट सिटी। व्हाट इज़ लॉस्ट सिटी? तो बेसिकली एक ऑथर है आशीष नंदी, आशीष नंदी का नाम आपने सुना भी होगा, उन्होंने लॉस्ट सिटी का कंसेप्ट दिया था। लॉस्ट सिटी इज़ वन whose past one can remember and relate to, जिसका past आपको याद हो और जिससे आप relate कर सकें, plus one whose memory as a living city is not overwritten by an episode of final destruction, जो finally, जिसका final destruction ना हुआ हो, but जिसका importance घट रहा हो, लेकिन आप उसका past जरूर आप relate कर सकें, उसको याद कर सकें। तो something like this gives Delhi a lost city status। तो lost city का status अगर आप आशीष नंदी की definition के हिसाब से देखें तो Delhi को जरूर मिलता है, क्योंकि presently लोग इससे दूर भाग रहे हैं, इससे लोग दूर भागते जा रहे हैं। और लेकिन इसका अपने आप में एक रिच हेरिटेज है, कल्चर है, एक बहुत पास्ट है इसके साथ जुड़ा हुआ, जिसको आप याद करके रिलेट कर सकते हैं, बट एट प्रेजेंट अगर आप देखें तो लोग इससे ज़रूर दूर भाग रहे हैं। तीसरा चीज़ इसमें यह भी है कि इसका फाइनल डिस्ट्रक्शन भी नहीं हुआ है, तो इट्स बेसिकली अ लॉस्ट सिटी। हिरोशिमा को लॉस्ट सिटी आप नहीं बोल सकते, बिकॉज इट वॉज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड इन 1945। हिरोशिमा इज नॉट अ लॉस्ट सिटी एज इट वॉज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड इन 1945, बट दिल्ली इज अ लॉस्ट सिटी। ओके, अब ऑथर ने कुछ प्रॉब्लम्स बताई जो एक्सेसिव प्रॉब्लम्स है यहाँ पे। फर्स्ट इज एयर पोल्यूशन की प्रॉब्लम है, देन सेकंड इज एक्सेसिव हीट इन समर, एंड देन थर्ड इज द वाटर स्कैरसिटी। ये कुछ प्रॉब्लम्स है जिसको कि ऑथर ने हाईलाइट भी किया है कि ये रीजंस है, एंड जो यहाँ पे इनहैबिटेंट्स हैं वो भी यहाँ से दूर भाग रहे हैं। ओके, नाउ ऑथर ने JNU का ही बताया कि JNU इज ऑल्सो मार्चिंग टू इट्स ओन डेथ फॉर द लास्ट 3 years, चाहे आप पॉलिटिकल रोज देखें। अब वो अपने खुद के एडमिनिस्ट्रेशन से ही लड़ने लगे हैं, वहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है दैट इज वेजिंग अ वॉर अगेंस्ट द स्टूडेंट्स। ये सारी चीज़ें भी हो रही है, फैकल्टी, टीचिंग, नॉन टीचिंग, सब कोई वहाँ पे इस तरीके से पॉलिटिक्स में जुड़ा हुआ है। और अब वहाँ पे एक ढाबे को लेके बहुत दिक्कतें शुरू हो गई है। नाउ द ऑथर कंक्लूड्स दैट लाइक द सिटी ऑफ दिल्ली दैट सराउंड इट्स JNU 2 इज फास्ट अप्रोचिंग द स्टेटस ऑफ बींग लॉस्ट। ओके, तो JNU भी लॉस्ट स्टेटस में जा रहा है, और हमको अटेम्प्ट करनी है कि हम दिल्ली को भी सेव करें प्लस JNU को भी सेव करें। तो दिस इज वॉट द ऑथर वॉन्टेड टू से। ओके, नाउ द थर्ड एडिटोरियल इज रिगार्डिंग राइट्स रिवाइज, दिस इज ऑन द ट्रांसजेंडर्स बिल इन 2018। जो ट्रांसजेंडर बिल हुआ था 2018 में, अभी पास हुआ है रिसेंटली लोकसभा में, उसके बारे में है। तो सबसे पहले इसमें डेफिनेशन ऑफ ट्रांसजेंडर बताई गई है, एनी पर्सन हुज जेंडर डज नॉट मैच द जेंडर असाइंड एट बर्थ। एनी पर्सन whose gender does not match with the gender assigned at birth, as well as trans men, trans women, those with intersex variation, the gender queer, and those who designate themselves based on socio-cultural identities such as Hijra, Aravani, Kinnar, and Jogta. These are coming under the definition of transgender. ये सारे definition of transgender के अंदर आते हैं।
नाउ व्हाट आर द प्रॉब्लम्स विद द बिल. अब देखो अच्छी बात है तो हम बोल सकते हैं कि चलो ट्रांसजेंडर्स को रिकॉग्नाइज किया गया है, थर्ड सेक्स रिकॉग्नाइज किया गया है, उनको भी एक आइडेंटिटी मिलेगी, ये कुछ अच्छे पॉइंट्स आप लिख सकते हैं. नाउ व्हाट आर द प्रॉब्लम्स पर्टेनिंग टू द बिल. द फर्स्ट इज दैट देयर इज अ रिक्वायरमेंट दैट अ डिस्ट्रिक्ट स्क्रीनिंग कमिटी विल बी फॉर्म्ड. एक डिस्ट्रिक्ट स्क्रीनिंग कमिटी रहेगी जो कि रिकमेंड करेगी इशूइंग अ सर्टिफिकेट टू ईच ट्रांसजेंडर. अब क्या है मतलब कि उनको एक ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट दिया जाएगा, तो बेसिकली एक सर्टिफिकेट उनको लेके घूमना पड़ेगा. दूसरी चीज, एक डिस्ट्रिक्ट स्क्रीनिंग कमिटी बनाएगी, वो उनको अप्रूव करेगी कि आप हैं कि नहीं है. बट दिस गोज अगेंस्ट द राइट ऑफ सेल्फ आइडेंटिफिकेशन. आपका राइट है कि आप खुद को आइडेंटिफाई कर सके एज अ मैन, एज अ वुमेन, एज अ ट्रांसजेंडर. इट इज योर राइट. आपको पता रहेगा बेस्ट कि इन व्हाट कैटेगरी यू फिट द बेस्ट, ना कि कोई डिस्ट्रिक्ट स्क्रीनिंग कमिटी आपको बताएगी कि आप क्या हैं, आप यू आर अ मैन, यू आर अ वुमेन या यू आर अ ट्रांसजेंडर. सो दिस इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ आइडेंटिफिकेशन विच इज अ की राइट एज पर सुप्रीम कोर्ट. ओके, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राइट टू सेल्फ आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए. बट दिस बिल में जो डिस्ट्रिक्ट स्क्रीनिंग कमिटीज बताई जाएंगी बताएंगी और वो सर्टिफिकेट इशू करेंगी, तो बेसिकली दिस गोज अगेंस्ट दैट प्रिंसिपल ऑफ राइट टू सेल्फ आइडेंटिफिकेशन. सेकंड इज दैट देयर इज अ बार ऑन फोर्सिबल सेपरेशन ऑफ ट्रांसजेंडर चिल्ड्रन फ्रॉम देयर फैमिलीज. ओके, बार ऑन फोर्सिबल सेपरेशन ऑफ ट्रांसजेंडर चिल्ड्रन फ्रॉम देयर फैमिलीज एक्सेप्ट थ्रू द कोर्ट ऑर्डर्स. बट होता क्या है कि कई बार जो ट्रांसजेंडर्स हैं दे फील अब्यूज्ड और बहुत सारा उनको अब्यूज किया जाता है, हरास किया जाता है, एंड दे थिंक दैट द बेस्ट थिंग इज दैट टू फ्ली होम्स. बट ये सारी चीजें अब इसमें नहीं रहेंगी एंड उस कारण से ये भी कंट्रोवर्सी है. द थर्ड इज दैट बिल इज क्रिमिनलाइजिंग बेगिंग. ओके, एंड बाय मेकिंग इट एन ऑफेंस फॉर समवन टू कंपेल और एंटाइस अ ट्रांसजेंडर पर्सन टू सीकिंग एम्स. ओके, तो अगर ट्रांसजेंडर बेगिंग कर रहे हैं या ये कर रहे तो इसको क्रिमिनलाइज किया, ये द बिल इज क्रिमिनलाइजिंग दैट. एंड अपने ओवरऑल अगर देखें तो बैगिंग इन इटसेल्फ इज नो मोर सीन एज एन ऑफेंस. जब बैगिंग को हम खुद एक ऑफेंस की तरह नहीं देखते तो क्यों जब ट्रांसजेंडर इस चीज को कर रहे हैं तो हम उसको उसको एक ऑफेंस की तरह ले रहे हैं. ओके, और जब आप एम्प्लॉयमेंट के लिए उनको रिजर्वेशन नहीं प्रोवाइड कर रहे हो, सारी चीजें नहीं प्रोवाइड कर रहे हो, तो फिर वो करेंगे क्या? Why in case of absence of employment and all it is criminalized. Now the bill does not grant backward class reservation to the transgender community. ये भी एक issue है कि backward class का जो reservation है वो भी transgender community को नहीं दिया जाएगा. This was recommended by the Supreme Court though. Supreme Court ने recommend किया था कि इनको देना चाहिए, but that is also not being done. Last is that transgender civil rights in marriage, divorce, adoption, they have not been addressed. तो जो उससे मैरिज से रिलेटेड थे, डाइवोर्स से रिलेटेड थे या अडॉप्शन से रिलेटेड थे या सपोज आज जो सरोगेसी बिल है उसी से रिलेटेड है, तो उन सारी चीज़ों को क्यों आपने एड्रेस नहीं किया है? तो पूरा आधा अधूरा काम क्यों कर रहे हैं? तो दीज आर द बॉटलनेक्स, दीज आर द चैलेंजेस एंड ड्रॉबैक्स ऑफ द बिल. अब देखते हैं आगे इसको क्या किया जाता है, क्या नहीं किया जाता. ओके, अब ये जो आर्टिकल था ये सज्जन कुमार के ऊपर था. मैंने पहले आपको दो कमिटीज़ बताई हैं, याद रखना कि इसमें दो कमिटीज़ का नाम आएगा. एक है रंगनाथ मिश्रा कमेटी. रंगनाथ मिश्रा कमेटी जो फॉर्म हुई थी वो 1987 में फॉर्म हुई थी. देखिए यहाँ पे लिखा है द कमीशन वॉज कंपाउंडेड इन फरवरी 1987, जब यहाँ पे रिपोर्ट आई थी 1984 के ऊपर. दूसरी मैंने बताई थी नानावती कमीशन. ओके, तो नानावती कमीशन वॉज द सेकेंड कमीशन जो कि इसमें बनाई गई थी. दीज आर द टू कमिटीज़ जिनके नाम आप ज़रूर याद रखेगा 1984 राइट से. We are not mere subjects of the state. This is what an article on relationship between citizen and state. अब author ने इसमें क्या बोला कि अभी recently किसी ने बोला कि फालतू का hue and cry मचाते हैं लोग अपने liberty के लिए. ना फालतू का hue and cry, ये क्या, ये कैसा sentence है ना? ये चीज़ वो बोल रही कि people make it a fashion nowadays to make hue and cry about personal liberty. This is what has been said by in the Maharashtra government. तो ये चीज़ author ने कहा है कि liberty किसी की ये कोई फालतू चीज नहीं है. लिबर्टी समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिविजुअलिटी समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इट इज फाइनली द पीपल हु आर गिविंग यू द पावर. गवर्नमेंट को पावर लोगों से मिल रही है एंड देयरफॉर इट इज द इंडिविजुअल हु इज मेकिंग द गवर्नमेंट. ओके, तो इंडिविजुअलिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड दे हैव एवरी राइट टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट इफ दे आर वायोलेटिंग देयर डिग्निटी, इफ दे आर वायोलेटिंग देयर फ्रीडम. तो ऑथर का कहना है कि पीपल हैव एवरी राइट टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट अगर उनकी फ्रीडम, अगर उनकी डिग्निटी, अगर उनकी लिबर्टी के ऊपर जरा सी भी आंच आती है, बिकॉज इंडिविजुअलिटी इज समथिंग विच इज वेरी क्लोज एंड इंडिविजुअलिटी इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो. क्योंकि अगर आपके अंदर इंडिविजुअलिटी है, अगर आपको पता है कि आपके अधिकार हैं, अगर आपको पता है कि आपकी कोई वैल्यू है, देन ओनली यू कैन कंट्रीब्यूट इन द नेशन मेकिंग प्रोसेस.
रिसोर्सेज, अगर आपको ये पता है कि आप सबऑर्डिनेट हैं, आप सबके अंदर हैं, तो आप उस नेशन में कोऑपरेट नहीं कर सकते. नेशन मेकिंग की प्रोसेस में आप यू कैन नॉट गेट इमोशनली अटैच टू दैट प्रोसेस ऑफ नेशन मेकिंग. अगर आपको पता है कि आप स्टेट तो क्रिएट कर सकते हैं, बट आप नेशन नहीं क्रिएट कर सकते जब तक कि आपके इंडिविजुअल्स फील नहीं करते कि दे आर कनेक्टेड बाय अ बॉन्ड. ओके, तो दिस इज व्हाट द ऑथर हैज सजेस्टेड, कि स्टेट्स को रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि हम वी आर नॉट मेयर सब्जेक्ट्स. हम उनके लिए केवल मेयर नंबर्स नहीं है, कि हम एक आधार नंबर है. जस्ट वी आर नॉट जस्ट मेयर आधार नंबर्स. ओके, वी आर समथिंग विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इट इज बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल. ये सारे फंडे दिए गए हैं, तो जरूर याद रखेगा इसको. दिस इज अ वेरी गुड इंटेलेक्चुअल आप डिस्कशन बोल सकते हैं इसको, इसलिए मैंने इसको कर दिया. एंड इसमें एक और बात बोली गई थी कि आइडियाज़ को बैन नहीं करना चाहिए. सब्जेक्ट स्टेट्स क्या कोशिश करते हैं कि जो आइडियाज़ आ रहे हैं जनता के अंदर, जो आइडियाज़ आते हैं, दे शुड नॉट बी स्टॉप्ड. क्योंकि बेसिकली नेशन क्या है, नेशन भी अपने आप में एक आइडिया ही है, या फिर स्टेट ही क्या है, स्टेट भी अपने आप में एक आइडिया है जिसको कि रिकॉग्निशन दिया है, इसी जनता ने दिया रिकॉग्निशन दिया है. देयरफॉर आइडियाज़ शुड नॉट बी बैंड. और एक और चीज़ बोली है कि जैसे मैं एक चीज़ कोट करता हूँ, एक मूवी थी वी फॉर वेंडेटा, उसमें एक बहुत अच्छी चीज बोलता है कि आइडियाज आर बुलेट प्रूफ. तो वो हमेशा रहते हैं, आइडियाज रिजाइड देयर. एंड वो आइडिया ही था रेवोल्यूशन का, जो कि 1783 में अमेरिका में था. उसके बाद वो ट्रेवल करते करते फ्रांस में गया, उसके बाद वो फ्रांस से ट्रेवल करते करते पूरे वर्ल्ड में. तो आइडिया स्टेबल रहते हैं, आइडियाज रिसाइड करते हैं, वो सेंचुरीज तक याद किए जाते हैं. देयरफॉर आइडियाज आर समथिंग विच आर बुलेट प्रूफ, एंड आइडियाज आर समथिंग विच शुड बी प्रोपोगेटेड, विच शुड बी लेड टू ग्रो एंड नॉट स्टॉप्ड, नॉट कर्ब्ड. ओके, दिस इज व्हाट द स्टेट शुड रिमेंबर. अ रिवर रनिंग ड्राई नाउ, यहाँ पे जो आर्टिकल है ये गंगा के ऊपर है, गंगा में किस तरीके से हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स ने इम्पैक्ट किया है. एंड द अविरालिटी, अविरलता हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में अविरालिटी बोल रहे हैं, हिंदी में अविरलता बोलते हैं, यानी कि अनइंटरप्टेड फ्लो. द अनइंटरप्टेड फ्लो ऑफ गंगा इज बींग अफेक्टेड बिकॉज ऑफ द हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स. इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि सबसे पहला जो पॉइंट है ऑथर ने उठाया, ये उठाया है कि द गवर्नमेंट इज फोकसिंग मोर ऑन निर्मलता, दैट इज क्लीनिनेस. तो गवर्नमेंट जो है वो फोकस किस पे कर रही है, निर्मलता पे, यानी कि क्लीनिनेस पे कर रही है. क्लीन गंगा हर समय साफ करो गंगा को. ओके, बट वॉट अबाउट द अनइंटरप्टेड फ्लो ऑफ गंगा. जब अनइंटरप्टेड फ्लो आप नहीं प्रोवाइड कर पाओगे तो बहुत सारी समस्याएं जो कि स्टार्ट हो जाएंगी. और उन्हीं प्रॉब्लम्स को हाईलाइट किया है ऑथर ने कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दैट आर अराइजिंग बिकॉज ऑफ द हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स. द फर्स्ट प्रॉब्लम इज लार्ज स्केल लैंड्स आर क्लियर्ड ऑफ फॉरेस्ट. द फर्स्ट थिंग इज दैट अगर हाइडल प्रोजेक्ट बनते हैं तो उसके लिए लार्ज स्ट्रेच ऑफ लैंड्स आर बीइंग क्लियर्ड ऑफ फॉरेस्ट. सेकेंड थिंग इज दैट there is a loss of agriculture also. Third thing is that drying up of water sources, जो water sources है वो dry हो जाते हैं. Then fourth is the landslips की problem arise करते हैं because of these hydel power projects. क्योंकि कभी कभी क्या होता है, fragile ecosystem में भी ये construction किया जाता है, जिसके कारण बाद में हम देखा है कि slums हो जाते हैं. okay, land slums and all. Then प्रॉब्लम ऑफ मक डंपिंग विच लेट टू फ्लैश फ्लड इन 2013. मक डंपिंग यानी वेस्ट, डर्ट, गार्बेज, इसका डंपिंग भी किया जाता है, जिसके कारण हमने देखा कि फ्लैश फ्लड किस तरीके से 2013 में आया. देन ड्राइंग अप ऑफ द रिवर बेड एज वाटर इज डाइवर्टेड इन टू चैनल्स. जब आप हाइड्रोलेट्रिक प्रोजेक्ट बनाते हो तो क्या होता है कि पानी को आप डाइवर्ट करते हो. जब आप पानी को डाइवर्ट करते हो देन वॉट हैपन्स इज दैट रिवर्स गेट ड्राइड अप. ओके, एंड सीवियर डिस्ट्रेसेस टू एक्वेटिक लाइफ कैन बी सीन. एक्वेटिक लाइफ में बहुत सारे इफेक्ट आ जाते हैं. देन इन सारी चीज़ों के बाद इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट जनरेटेड एज इंटेंडेड. इसके बाद एक और समस्या ये है कि इलेक्ट्रिसिटी भी उतनी नहीं जनरेट होती जितना हम चाहते हैं. फॉर एग्जाम्पल मनेरी का डैम है, मनेरी डैम मैं इसके लोकेशन बताता हूँ, उत्तराखंड में है, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में है ये मनेरी डैम. उसको 90 मेगावाट कैपेसिटी का बनाया गया था, बट इट इज वर्किंग बिलो 40% ऑफ इट्स कैपेसिटी. तो 90 का 40% निकाल के देख लो. ओके, यानी कि 36 मेगावाट के आसपास आएगा. 36 मेगावाट इसका नेट प्रोडक्शन है, जबकि इसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 90 मेगावाट की. तो आप देख सकते हैं कि 40% से कम, यानी कि 36 मेगावाट से भी कम आप जनरेट कर पा रहे हैं जब आपने 90 मेगावाट का लगाया. तो इतनी सारी समस्याएं भी हो और इसके बाद जनरेटेड रिजल्ट भी डिजायर्ड ना हो. ओके, एंड दिस इज बिकॉज टू मच ऑफ सिल्ट ड्यूरिंग द मानसून इज देयर, जो कि सिल्ट जमा हो जाती है. एंड सिल्ट ऑल्सो रिड्यूसेज द फ्लो ऑफ वाटर इन विंटर्स. जब ये सिल्ट जमा हो जाएगी तो फ्लो ऑफ वाटर और घट जाएगा. एंड ग्लेशियर्स आर कंटिन्यूइंग टू रिट्रीट. हम सबको पता है कि ग्लेशियर रिट्रीट हो रहा है. द सिल्ट इन द रिवर्स इज ऑनली गोइंग टू इंक्रीज.
आगे जाके ये सिल्ट और ज़्यादा बढ़ने ही वाली है। अब जब ये सिल्ट बढ़ेगा तो इसके और भी डिसएडवांटेजेस हैं। जब ये सेडिमेंट्स बनेगा बढ़ेगा तो जो डाउनस्ट्रीम रिवर का फ्लो है, ये सेडिमेंट्स का फ्लो है, वो रुक जाएगा। अब अगर वो डाउनस्ट्रीम सेडिमेंट्स नहीं जाएंगे तो वहाँ की जो फर्टिलिटी थी वो भी इफेक्ट हो जाएगी। तो आपने देखा कितनी सारी चीज़ें कनेक्टेड है, फर्टिलिटी जो डाउनस्ट्रीम एरियाज की है वो भी डिस्ट्रॉय हो जा रही है। ओके, तो और जो अगर ये सेडिमेंट्स का मूवमेंट फ्री एंड नहीं रहेगा, अगर ये सेडिमेंट्स का मूवमेंट फ्रीली नहीं होगा, अनइंटरप्टेड फ्लो नहीं होगा, देन द सेल्फ क्लीनिंग सेल्फ प्यूरिफाइंग प्रॉपर्टी ऑफ गंगा विल बी लॉस्ट। जो गंगा का हम बोलते हैं कि गंगा एक सेल्फ प्यूरिफायर है, गंगा सेल्फ प्यूरिफाई हो जाती है, तो वो इसकी जो क्वालिटी है वो घट जाएगी अगर अनइंटरप्टेड फ्लो आप नहीं मेंटेन करते हो। तो अविरलता यानी कि अविरलिटी अनइंटरप्टेड फ्लो इज इक्वली इंपॉर्टेंट एज द क्लीनिनेस, यानी कि निर्मलता के बराबर ही अविरलता की भी वैल्यू है, उस पर भी फोकस करना चाहिए। ओके, एंड बहुत सारी गवर्नमेंट कमिटीज हैं जिन्होंने यही बोला है कि एंथ्रोपोजेनिक रीजंस के कारण जो वाटर है उसका अनइंटरप्टेड फ्लो मेंटेन करना जरूरी है और गवर्नमेंट को प्रयास करना चाहिए, तो वही चीज़ें बोली जा रही है। अब इसके लिए मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूँ कि रिसेंटली गंगा मैन जिसको कहा जाता था, गंगा पुरुष जिसको बोला जाता है, उनकी डेथ हुई थी, तो उनका नाम आप ज़रूर बताइएगा। ओके, उनके दोनों नाम बताइएगा जो उनका उनका फेमस नेम था, एपिथेट था, और उसके बाद उनका जो मेन नेम था। ओके, सो प्लीज़ दिस इज़ अ क्वेश्चन टू यू। सो वेरी गुड आर्टिकल, आई होप आपको क्लैरिटी आ गई होगी। Now let's move to the next pages, देखते हैं क्या न्यूज़ और आई है। सो यहाँ पर कोई न्यूज़ नहीं मिलेगी इस तरह। Brevity is a virtue, this is what Supreme Court is telling the lower courts, यानी कि हाई कोर्ट्स। क्या हुआ रिसेंटली, एक रिमांड मेयर रिमांड का ऑर्डर था, एक रिमांड यानी पुलिस कस्टडी में रखने का, केवल उसका ऑर्डर था। नाउ द हाई कोर्ट डिड वॉट, 60 पेज का जजमेंट दिया है बिकॉज ऑफ ओनली फॉर अ रिमांड ऑर्डर। केवल एक रिमांड ऑर्डर के लिए 60 पेज का जजमेंट दिया है। ब्रेविटी का मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। ब्रेविटी इज वॉट, ब्रेविटी इज कंसाइज एंड एग्जैक्ट यूज ऑफ वर्ड्स इन राइटिंग और स्पीच। जब आप कोई बात बोलते हो, क्या इसीलिए बोलते हैं ना कि डोंट बीट अराउंड द बुशेज, बीट अराउंड द बुशेज नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि आपको पिन पॉइंटेड चीज़, यही आपको आंसर राइटिंग में याद रखना है, यही आपको तब याद रखना है जब आप कहीं पे ओरेटरी में गए हो या आप कहीं भाषण दे रहे हो। अगर आप मुद्दे से ही भटक जाओगे, जैसा कि मेन होता है कई जगहों में, ऐसा होता है कि लोग मेन टॉपिक से ही हट जाते हैं और बाकी सारी बातें कर देते हैं टॉपिक के अलावा, तो यहाँ पे ब्रेविटी है। देखो, नो वन इज क्वेश्चनिंग द इंटेलिजेंस ऑफ हाई कोर्ट हियर। सुप्रीम कोर्ट ने भी इंटेलिजेंस को क्वेश्चन नहीं किया, बट दे आर सेइंग दैट इफ देयर इज ब्रेविटी देन दैट इज अ वर्च्यू। व्हाट इज दैट मींस, यू शुड यूज कंसाइज यूज ऑफ वर्ड्स, फालतू के जजमेंट्स आप मत कोट करिए वहाँ पे। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने बहुत सारे जजमेंट्स ऐसे कोट किए हैं जिनकी ज़रूरत नहीं थी, तो उनको क्यों आप बढ़ा रहे हो अपने पेजेस में? 60 पेज का जजमेंट केवल एक रिमांड ऑर्डर के लिए दोगे तो पेज का भी तो वेस्ट हो रहा है, पेज वेस्ट हो रहा है, टाइम जा रहा है, ये सारी चीज़ें जिसमें नॉर्मल ऑर्डर हो जाना चाहिए था। तो ब्रेविटी इज़ अ वर्च्यू फॉर द कोर्ट्स में फॉलो, दिस इज वॉट दे आर सेइंग। एंड हाई कोर्ट्स ने रिसेंटली 60 पेजेस में एक रिमांड ऑर्डर दिया था, उसके रिगार्डिंग ये चीज़ है। ओके, देन USA इज अनाउंस हैज अनाउंस दैट सीरिया ट्रूप्स, जो USA की ट्रूप्स हैं वो सीरिया से निकल आएंगी। एंड ट्रंप ने क्लेम किया है कि दैट वी हैव डिफीटेड ISIS। उन्होंने तो बिल्कुल क्लेम कर दिया कि ISIS हार गया है, एंड वी वर रिसाइडिंग देयर ओनली बिकॉज ऑफ ISIS एंड नाउ वी आर पुलिंग आउट। तो USA की लगभग 2000 ट्रूप्स हैं जो कि अभी स्टेशन है सीरिया में, उनको पुल आउट करने की बात चल रही है। तो ये डिसीजन मेजर डिसीजन है, देखते हैं आगे क्या होगा इसके बाद। Now, राजपक्षाज अपॉइंटमेंट एज लीडर ऑफ अपोजिशन हैज नाउ बीन चैलेंज। ओके, तो अभी तक जो उनकी कंट्रोवर्सी थी, अभी तक उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था, अब उनको जो जयसूर्या जो स्पीकर है उन्होंने उसको उनको लीडर ऑफ अपोजिशन बना दिया है। Now, इसका भी जो अपॉइंटमेंट है वो भी जो संपांथन है, संपांथन जो एट प्रेजेंट अपोजिशन लीडर है, उन्होंने इसको चैलेंज कर दिया है कि आपने कैसे महिंद्र राजपक्षे को लीडर ऑफ अपोजिशन बना दिया। तो अभी एक नई कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है, मतलब श्रीलंका निकलना ही नहीं चाहता अपनी कंट्रोवर्सी से, दिस इज बेसिकली दैट। ओके, नाउ FBI हैज डिफेंडेड डाटा शेयरिंग प्रैक्टिस आफ्टर रेवोल्यूशन। तो क्या हुआ कि रिसेंटली एक रिपोर्ट आई थी टाइम्स, जो न्यूयॉर्क टाइम्स है वहाँ पे, उन्होंने एक रिपोर्ट निकाली कि दैट FBI शेयरिंग डाटा विद नियरली 150 कंपनीज, 150 से अधिक कंपनीज के साथ हमारा डाटा शेयर होता है, एंड दैट टू विदाउट कंसेंट। यानी कि नेटफ्लिक्स, स्पॉटिफाई, ये सारी इन सारी कंपनीज को, अमेजॉन, इन सारी कंपनीज को जो फेसबुक यूजर्स का डाटा है वो ट्रांसफर किया जाता है, दिया जाता है
प्लस एक और चीज इन्होंने बोली कि दे कैन रीड योर चैट्स एज वेल. फॉर एग्जांपल कभी आपने देखा हो कि आपने कोई डेट डाली हो और तुरंत आपको ऑप्शन आता है कि इसका एक प्लान बना लो, इसका ये कर लो, और इसके अकॉर्डिंग अगर आपको कहीं जाना है, आपने किसी दोस्त को बोला भी है कि मुंबई जाना है, तो देयरफॉर नेक्स्ट डे से आपको मुंबई के नोटिफिकेशन आना शुरू हो जाएंगे कि यहाँ पे आप जाओ, यहाँ रहो, ट्रेवल गुरु, ये गुरु, वो गुरु. तो ये सारी चीजें हैं कि इन्फॉर्मेशन जो शेयरिंग चल रही है वो बिल्कुल रियल है, दैट इज नॉट इल्यूजन, वो हो भी रहा है. नियरली 150 कंपनीज वहां पे डाटा शेयर किया जा रहा है चंद पैसों के लिए, एंड कहीं ना कहीं इससे प्राइवेसी कंसर्न्स रेज होते हैं. नाउ फोर बैंक्स में कम आउट ऑफ पीसीए. तो अभी रिसेंटली ये जजमेंट लिया गया है कि चार बैंक्स को निकाला जा सकता है पीसीए नॉर्म से. पीसीए मतलब प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शंस. तो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शंस क्या है? दीज आर द मेजर्स, जो स्ट्रिक्ट मेजर्स हैं टेकन बाय रिजर्व बैंक. रिजर्व बैंक ने कहा है कि कुछ नॉर्म्स मेंटेन किए हैं कि आपको ऐसे ऐसे फॉलो करना है, इतना ही लेंड कर सकते हैं, उनको रिस्ट्रिक्शंस दे दी जाती हैं. कब दी जाती हैं? जब उनकी कुछ जो थ्रेशोल्ड लिमिट्स हैं वो ब्रीच हो जाए. ओके, जब थ्रेशोल्ड लिमिट्स ब्रीच कर जाए, फॉर एग्जांपल एनपीए हो गया या स्ट्रेस्ड एसेट्स हो गए, इनकी एक लिमिट बनाई गई है रिजर्व बैंक द्वारा. अगर बैंक्स की वो लिमिट क्रॉस हो गई, अगर एनपीए का नंबर जो लिमिट सेट की गई है उससे बढ़ गया, तो फिर उनको प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन के अंदर डाल दिया जाता है. एट प्रेजेंट 11 बैंक्स आर देयर अंडर द प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शंस. अभी 11 बैंक्स प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शंस के अंदर है. नाउ एक रिसेंट स्टडी की गई थी एंड उसमें चार बैंक्स को प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन से निकालने की बात की जा रही है. और वो जो स्टडी थी वो किस बेसिस पे थी? कि क्या परफॉर्मेंस रहा है पीसीए में आने के बाद. तो बेसिकली ऑन द प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फंड इंप्रूव्ड परफॉर्मेंस हुई है इन बैंक्स की, देयरफॉर दे कैन बी टेकन आउट ऑफ द पीसीए नॉर्म्स. इंप्रूव्ड परफॉर्मेंस को बेसिस बनाया जा रहा है कि इनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो गई, इसलिए हम इनको निकाल रहे हैं. कौन कौन से बैंक्स हैं? बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कॉरपोरेशन बैंक, अलाहाबाद बैंक एंड बैंक ऑफ इंडिया. दीज आर द फोर बैंक विच मे कम आउट ऑफ पीसीए नॉर्म्स. अभी आए नहीं है, आ सकते हैं. तो पीसीए नॉर्म्स का याद रखेगा, जब ये उससे बाहर आ जाएंगे तो इनके लिए लेंडिंग ईजी हो जाएगी, ये पैसा लोन में ईजिली दे पाएंगे. ओके, और इससे जो एमएसएमई सेक्टर और ये सारे सेक्टर्स की हम बात कर रहे थे पहले कि इनको लोन नहीं मिल पा रहा है प्रॉपर, और गवर्नमेंट आरबीआई ने अपने रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं, तो वो सारे चीजें हट जाएंगी और उसके बाद ये ज्यादा फ्रीली लेंड कर पाएंगे, रिस्क ले पाएंगे, ये सारी चीजें हो सकती हैं. ओके, दिस इज अनदर आर्टिकल विच इज इंपॉर्टेंट. नाउ इंडिया में नीड 2300 मोर प्लेन्स, दिस इज व्हाट बोइंग हैज सेड. तो बोइंग जो है वो क्या है? इट्स अ ग्लोबल आउटलुक, मार्केट आउटलुक है एविएशन सेक्टर से रिलेटेड. इसने एक स्टडी की है कि एयरलाइंस इन इंडिया विल नीड 2300 मोर प्लेन्स वैल्यूड एट $320 billion. ओके, $320 billion वर्थ के प्लेन्स लेने पड़ेंगे बाय 2037. तो 2037 तक इतने नए प्लेन्स की जरूरत हमको पड़ेगी, 2300 प्लेन की. क्यों पड़ेगी? बिकॉज इंडिया इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग एविएशन मार्केट. हमको वी आर वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग एविएशन मार्केट, एंड हमारे यहाँ जो एयर फ्लाइट्स हैं वो बढ़ती जा रही हैं, लोग ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं. प्लस जो हमारी कमर्शियल सर्विसेज हैं, एविएशन सेक्टर से रिलेटेड कमर्शियल सर्विसेज हैं, वो भी बहुत ज़्यादा वर्थ की हैं. $430 billion की हमारी कमर्शियल सर्विसेज हैं. कमर्शियल सर्विस मार्केट ऑफ एयरक्राफ्ट इज देयर, जैसे कि ग्राउंड हैंडलिंग, मेंटेनेंस, इंजीनियरिंग एंड कैबिन सर्विसेज, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं. एंड 2300 मोर प्लेन्स विल बी नीडेड बाय 2037 वर्थ $320 million. ओके, पैकेजिंग ऑफ फूड ग्रेन्स इन जूट बैग्स मेड मैंडेटरी. ओके, तो नाउ द गवर्नमेंट हैज़ मेड इट मैंडेटरी टू पैक द फूड ग्रेन्स इन जूट बैग्स. ओके, तो सेंटर ने मैंडेट किया कि 100% पैकेजिंग जो होगी फूड ग्रेन्स की, और 20% जो पैकेजिंग होगी शुगर की, वो जूट बैग्स में होगी बाय 2018-19. ओके, एंड ये चीज़ है. दूसरी चीज़, ये ऑर्डर जो है, दिस फॉलोज द जूट पैकेजिंग मटेरियल्स कंपल्सरी यूज इन पैकेजिंग कमोडिटीज एक्ट. ओके, जेपीएम एक्ट था, जूट पैकेजिंग मटेरियल एक्ट जो था, इट वाज इनएक्टेड इन 1987 में इनएक्ट किया गया था टू प्रोटेक्ट द जूट सेक्टर फ्रॉम द प्लास्टिक पैकेजिंग सेगमेंट. ओके, तो प्लास्टिक इंडस्ट्री को से जूट इंडस्ट्री को बचाने के लिए ये चीज़ किया गया था. 1987 में एक्ट आया था, जेपीएम एक्ट, यानी कि जूट पैकेजिंग मटेरियल एक्ट. ओके, एंड वेस्ट बंगाल एंड आंध्र प्रदेश आर द टू लार्जेस्ट जूट गुड्स प्रोड्यूसर्स. आंध्र प्रदेश और वेस्ट बंगाल, दे आर द टू लार्जेस्ट जूट गुड्स प्रोड्यूसर्स, एंड पंजाब इज द लार्जेस्ट प्रोक्योरिंग स्टेट. तो ये भी याद रखेगा कि पंजाब लार्जेस्ट प्रोक्योरिंग स्टेट है. सो दैट इज इट फ्रॉम दिस सेगमेंट. ये फिर स्पोर्ट्स की है, पूरा आईपीएल के ऑक्शंस के बारे में बताया गया है. आई एम हैप्पी दैट युवराज सिंह को मुंबई इंडियंस ने खरीद लिया, बिकॉज आई पर्सनली सपोर्ट मुंबई इंडियंस एज वेल.
ब्लाइंड एम्फीबियंस टू बी नेम्ड आफ्टर डोनाल्ड ट्रंप. अब देखो कितनी सिमिलैरिटी है ब्लाइंड एम्फीबियंस और डोनाल्ड ट्रंप, दोनों की हेयर स्टाइल बिल्कुल मैच कर रही है अगर आप देख रहे हो तो. ओके तो ब्लाइंड एम्फीबियंस विल बी नेम्ड आफ्टर डोनाल्ड ट्रंप. न्यूली डिस्कवर्ड ब्लाइंड एम्फीबियन फ्रॉम पनामा विल बी नेम्ड आफ्टर डोनाल्ड ट्रंप. ओके और ये क्यों ब्लाइंड एम्फीबियन को ही क्यों रखा गया, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इज ऑल्सो एक्टिंग लाइक अ ब्लाइंड, क्योंकि वो कह रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज हो ही नहीं रहा है. ओके उनको दिख ही नहीं रहा क्लाइमेट चेंज, तो एक तरह से वो ब्लाइंड की तरह ट्रीट कर रहे हैं. देयरफॉर ब्लाइंड एम्फीबियन हैज बीन नेम्ड आफ्टर डोनाल्ड ट्रंप. याद रखिएगा दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट न्यूज, आपको लिख भी सकते हैं. Okay, so that is it from the day, friend. Sorry, one last news, two last news items are also there. E-Library of Rare Books has been launched in Pune. E-Library of Rare Books. अब देखो, एक पहले से लाइब्रेरी थी वहाँ पे जिसको बोरी हाउस बोलते हैं. बोरी हाउस इज वन ऑफ द साउथ एशियाज लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ रेयर मैन्यूस्क्रिप्ट्स. ओके बोरी का फुल फॉर्म है भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट. भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट, इट इज वन ऑफ द साउथ एशियाज लार्जेस्ट एज एंड मोस्ट इनवैल्युएबल एग्लोमरेशन ऑफ रेयर मैन्यूस्क्रिप्ट्स. ओके अब इसने अपना ही ई लाइब्रेरी स्टार्ट किया है, यानी कि डिजिटल वॉल्ट स्टार्ट कर दिया है, ओपन कर दिया है लाइब्रेरी का. एंड दैट इज ऑफ बोरी हाउस, याद रखिएगा भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट, और ये पुणे में है तो ये भी इंपॉर्टेंट है. आसमा जहांगीर ऑनर्ड, लेट पाकिस्तानी लॉयर है ये एंड ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है. लेट पाकिस्तान लॉयर एंड ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट आसमा जहांगीर, शी हैज बीन अवॉर्डेड द यूएन ह्यूमन राइट्स प्राइज फॉर 2018. ओके तो इनको यूएन ह्यूमन राइट्स प्राइज फॉर 2018 दिया गया, आसमा जहांगीर. सो दैट इज इट फ्रॉम द डे फ्रेंड्स. आई होप यू लाइक दैट वीडियो. प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब. कीप लविंग अस. एंड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मुरल इज ऑल्सो देयर. वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मुरल का जो रिकॉर्ड है, मुरल यानी वॉल पेंटिंग होती है, वॉल पेंटिंग को मुरल पेंटिंग बोलते हैं, याद रखिएगा. एंड मुरल दिस मुरल हैज़ बीन रिकोगनाइज बाय द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड. ये साउथ कोरिया में है, इंचियन साउथ कोरिया, याद रखिएगा सियोल इंचियन साउथ कोरिया. So that is it from the day, friends, now finally. And I hope you liked our video. Please do like, share and subscribe. And keep loving us, keep sharing us. Thank you and have a nice day.